जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2023 में निकल के आई, 9,360 वैकेंसी आप लोग की कर दी गई थी। वैकेंसियां अभी कम कर दी गई लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वैकेंसी में। 8,300 प्लस आप लोग की वैकेंसी इस वक्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आप लोग को जो बेनिफिट दिया गया, कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। इसी वजह से फॉर्म में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या 19 लाख से ज्यादा थी लेकिन रिटर्न एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या काफी कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजियां, भर्ती बहुत बड़ी है और जो भी शेड्यूल बनाया गया है उसी के अनुसार आप लोग का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम की डेट आप लोग को दी गई थी जुलाई माह की, बिल्कुल 1 से 12 जुलाई के बीच में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम आप लोग का हो गया, ऑनलाइन आप लोग का रिटर्न एग्जाम रहा, आंसर की भी आप लोग की समय से आ गए जिससे कि आप लोग को अपने अपने नंबर्स की जानकारी यहां पे लग चुकी है। लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट से पहले आप लोग का एक प्रीफरेंस लिंक यहां पे देना पड़ा विभाग को, इसका भी रीजन था कोर्ट के आदेश की वजह से ही ऐसा करना पड़ा। तो प्रीफरेंस लिंक का बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं है लेकिन कुछ बच्चों को यहां पे बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने की स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज फॉर्म अप्लाई किया था उसमें सिलेक्शन नहीं होता। तो जो आप लोग की ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपकी वैकेंसियां कम कर दी गई थी, हटा दी गई थी, तो आप लोग जो है ऑल ओवर इंडिया जो आप लोग की वैकेंसी थी उसमें आप लोग का जो है रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस प्रकार से मीन्स मिला जुला असर आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट की जानकारी। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी थी कि आप लोग को यहाँ पे फिजिकल की डेट यहां पे निकल के आ चुकी है। ये जानकारी मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी वेबसाइट पे नहीं आई है। तो यहां पे आप लोग को जानकारी दी गई है कि अक्टूबर का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हां, 10 अक्टूबर 2023 से आप लोग के फिजिकल स्टार्ट करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल अभी तक आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, यही इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग के अक्टूबर माह में यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होने हैं और फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट की एक बातचीत चल रही थी लेकिन ट्रेड टेस्ट की अभी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल के नहीं आ रही है। तो आप लोग के फिजिकल यहां पे होने वाले फिजिकल अक्टूबर माह में, लेकिन फिजिकल स्टार्ट होने से पहले यहां पे रिजल्ट आना जरूरी है। जी हां, रिजल्ट आएगा, 8 गुना कैंडिडेट यहां पे बुलाए जाएंगे। तो रिजल्ट कब आएगा सर? तो देखिए, मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया था कि प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट है। जैसे ही विभाग का आदेश आता है यानी कि आला अधिकारियों का आदेश आता है रिजल्ट को अपलोड करने का, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने का, डेट वगैरह दिए आपको दी जानी होगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों से कहा था, रिजल्ट आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। और बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर के आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था जिसमें की जानकारी दी थी। बहुत जल्द सितंबर माह में आप लोग का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा। जी हां, 10 से 15 के बीच में आप लोग का यहां पे रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। 10 सितंबर के आसपास आप लोग का रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। और यदि नहीं मिलता है तो किसी प्रकार से आप लोग घबराएंगे नहीं क्योंकि प्रोसेस होने में समय लग जा रहा है। सीआरपीएफ का आप लोगों ने देखा था रिटर्न एग्जाम के लिए जो आप लोग के एडमिट कार्ड आए, वो एडमिट कार्ड किस प्रकार से आए हैं। जी हां, लास्ट डेट तक आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड होते रहे, बच्चों के एग्जाम है उससे 2 दिन पहले भी आप लोग के एडमिट कार्ड आए थे। तो कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा थी, प्रोसेस करने में समय लग रहा है और समय सब कुछ फिक्स है, उसी समय के अंदर सब कुछ करना है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले यहाँ पे आप लोग का हो रहा है। तो उन सब चीजों को लेकर के आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। मैंने आप लोग को फिजिकल की जानकारी दे दी कि फिजिकल आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर आप लोग के अच्छे हैं, पासिंग मार्क्स आप लोग गेन कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए, रनिंग वगैरह की आप लोग तैयारी कीजिए। रनिंग की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, अभी भी मैं आप लोग को जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भी मैंने आप लोग को दे दिया है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, फिजिकल की डेट मैंने आप लोग को बता दी है। इससे पहले आप लोग का रिजल्ट आना है, सितंबर माह में कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो आज का इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लोग के लिए इसलिए लेकर के आया हूं, रिजल्ट आप लोग का आना है। और अभी जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि ऊपर से आदेश आ चुका है, आप लोग के रिजल्ट को अपलोड करने का प्रोसेस चल रहा है। जी हाँ, रिजल्ट का प्रोसेस आप लोग का चल रहा है यानी कि रिजल्ट अपलोड करना है। और भी जो भी वर्क होते होंगे, ठीक है, जो भी इंटरनल वर्क्स वगैरह होते हैं वो सारा प्रोसेस आप लोगों का यहां पे चल रहा है। तो जो समय आप लोग को बताया गया था 10 सितंबर से 15 सितंबर के आसपास आप लोग के रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वही चीज हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट है। और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हां,
रिजल्ट कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैंने आप लोगों से कहा है प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में आप लोगों के जो एक दिन का समय भी लग सकता है, दो दिन का समय भी लग सकता है, मैक्सिमम तीन दिन का भी समय यहाँ पे लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लगने वाला है। रिजल्ट हो सकता है मैं आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, वीडियो प्रोवाइड करने के कुछ समय के बाद ही आप लोग का रिजल्ट वेबसाइट पे देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में नहीं बैठा हूं। कितनी तेजी से वर्क चल रहा है, क्या चीजें बची हैं, क्या चीजें नहीं बची हैं, कितना वर्क अभी कंप्लीट करने को रह रहा है, तो देखिए इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। इन्फॉर्मेशन वही दी जा सकती है जो कि पॉसिबल हो, और पॉसिबिलिटीज यही है जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। आपके रिजल्ट का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, जी हाँ, रिजल्ट का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट बहुत ही जल्द आप लोग का अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट पे आप लोग को देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट आप लोग का आज भी देखने को मिल सकता है, कल भी देखने को मिल सकता है, परसों भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट आप लोग का आ रहा है, आप लोग टेंशन ना लें। सर ने जो जानकारी दी है बिल्कुल सही जानकारी दी है, समय से ही आप लोग का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। तो वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है। इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लेके आ रहा हूँ कि कब आप लोग का रिजल्ट अपलोड होने वाला है, कब आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, फिजिकल होंगे नहीं होंगे, ट्रेड होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल एक लाइक तो आप लोग को बनता है। जल्द ही आप लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ पे देखने के बाद आप लोग का जो है फिजिकल का प्रोसेस है, तो फिजिकल में आप लोग किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखेंगे। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन अभी यही है कि फिजिकल ही आप लोग के यहाँ पे होने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी हाँ, आप लोग के रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आप लोग का जो फिजिकल है, फिजिकल के एडमिट कार्ड भी सितंबर माह में ही आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वेबसाइट चेक करते रहिए। जी हाँ, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, एक से दो दिन आप लोग के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, यदि प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लगना चाहिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। चाहिए आप लोग रनिंग पे भी तैयारी करते रहिए, रनिंग की जानकारी भी मैंने आप लोग को दे दी है। आप लोग के पास नोटिफिकेशन वगैरह होगा, नहीं है तो आप लोग, मैंने लिंक आप लोग को दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप लोग जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर आप लोग वहां पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 किलोमीटर की भी रनिंग होती है और 1600 मीटर की भी आप लोग की रनिंग है। तो 1600 मीटर की रनिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर और सफाई कर्मचारी वालों के लिए है। ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो आप लोग की वैकेंसी है, इसमें कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, और इसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले। तो आप लोग जो है यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग करेंगे। इसके अलावा जो आप लोग की ऑल ओवर इंडिया जो भी वैकेंसी निकल के आ रही है, फिर चाहे वो आप लोग की पाइनर विंग के अंतर्गत वैकेंसी थी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, और इसके अलावा जो आप लोग की ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी, ड्राफ्टरी, प्योन, फराज, सफाई कर्मचारी, आप लोग की जो है 1600 मीटर रनिंग होगी। बाकी सभी की यहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, तो रनिंग पे फोकस कीजिए। टाइम पूरा मिल रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर की जो रनिंग है इसमें 24 मिनट का समय ही दिया जा रहा है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग और 8.5 मिनट का टाइम है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो था, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, वेबसाइट चेक करते रहिए। यदि आप लोग रिजल्ट देखने के बाद ही आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग का रिजल्ट, रिजल्ट अपलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रिजल्ट देखने के लिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।